Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor Botany, Government Bangar College, Didwana. हम BSc First Year में Second Paper में Algae के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी कड़ी में अगला जो lesson है आपका या अगला जो topic है, that is Occurrence, Habit and Habitat of Algae. Algae या शैवालों की प्रकृति और उनका प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक वास, इसके बारे में अब हम नया टॉपिक जो है स्टार्ट करने आए. अकरेंस ऑफ एल्गी, हैबिट एंड हैबिटेट, प्रकृति एवं प्राकृतिक वास. फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, फ्रेश वाटर, मैरीन, ऑन रॉक्स, विद इन प्लांट्स और एनिमल्स. बहुत प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतिक आवासों में शैवाल पाए जाते हैं. शैवाल ताजे जल में, समुद्री जल में, चट्टानों पर, पौधों के अंदर या पौधे तथा एनिमल्स जानवरों के अंदर या उनके ऊपर, ऐसे भी बहुत से शैवाल हैं जो पौधों के अंदर, ऊपर या जानवरों के अंदर और ऊपर भी पाए जाते हैं. एक्वेटिक फॉर्म्स आर मोस्ट कॉमन. सबसे अधिक जो सामान्य रूप से पाए जाने वाली शैवाल हैं वो जलीय होती हैं. एक्वेटिक मीन्स जलीय होती हैं. जलीय शैवाल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स. अपने प्राकृतिक आवास के आधार पर शैवालों को तीन सामान्य ग्रुपों में या ग्रुपों में विभाजित किया गया है, समूहों में विभाजित किया गया है. नंबर वन, एक्वेटिक फॉर्म्स, जलीय फॉर्म्स जो हैं या जलीय प्रकार जो जलीय आवासों में रहती हैं. दूसरी है टेरेस्ट्रियल, यानी कि स्थलीय फॉर्म्स जो कि जमीन पर पाई जाती हैं, स्थल पर पाई जाती हैं. और तीसरी है एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स. एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स यानी कि असाधारण वास में या आवास में पाई जाने वाली एल्गी, शैवाल. ठीक है, असाधारण आवास में पाए जाने वाली शैवाल. तो इस प्रकार से एल्गी को उनके प्राकृतिक आवास के आधार पर तीन ग्रुप्स में विभाजित किया गया, जलीय शैवाल, स्थलीय शैवाल और असाधारण आवास में पाए जाने वाले शैवाल. सबसे पहले हम जलीय शैवालों के बारे में पढ़ेंगे जो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, फ्रेश वाटर एंड मैरीन फॉर्म्स, ताजे जल में पाए जाने वाले और समुद्री जल में पाए जाने वाले दो प्रकार के शैवाल्स होते हैं. नंबर ए, फ्रेश वाटर फॉर्म्स, अकर्स इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा. ताजे जल में, ताजे जल के जो भी स्रोत हैं उनमें जो शैवालें पाई जाती हैं वो फ्रेश वाटर फॉर्म्स कहलाती हैं. जैसे ताजे जलों के तालाब होते हैं, झरने होते हैं, नदियां होती हैं इत्यादि. एक खास एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म्स पाई जाती हैं मैरीन में और एक्वेटिक फॉर्म्स हैं, जलीय जातियाँ हैं. तो एक एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए इसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है, स्पायरोगायरा इत्यादि. दूसरी टाइप है मैरीन वाटर फॉर्म्स, जो कि समुद्री जल में पाए जाने वाली प्रकार हैं. अकर्स इन सेलाइन कंडीशन सच एज सीज एंड ओसीन्स, यानी कि समुद्र में, सागरों में, महासागरों में जो पाई जाती हैं शैवाल वो इस ग्रुप में रखी गई हैं. मोस्ट ऑफ द रेड एंड ब्राउन एल्गी सच एज पॉलीसाइफोनिया एंड सरगासन. ज़्यादातर जो लाल और भूरे शैवाल हैं हमारे, आप ग्रुप पढ़ोगे शैवालों के आगे आएगा, तो हरे शैवाल होते हैं, लाल शैवाल होते हैं, भूरे शैवाल होते हैं और नीले हरे कई प्रकार के हैं. तो उनमें से जो मुख्यतः रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी कहलाती है, लाल शैवाल और भूरे शैवाल, वो समुद्र में पाए जाते हैं, जिसके खास एग्जांपल आपके ये सिलेबस के हैं दोनों, पॉलीसाइफोनिया एंड सार्गासम. ये दोनों नाम इसीलिए मेंशन किए गए हैं जिससे आपको ध्यान रहे आपके सिलेबस में है. लाल शैवाल में पॉलीसाइफोनिया और भूरे जो शैवाल होते हैं, ब्राउन एल्गी जो होती है उसमें सार्गासम है. ठीक है, इत्यादि.
इसके बाद एक कंडीशन एक नंबर के क्वेश्चन में, दो नंबर के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, वाटर ब्लूम्स क्या होते हैं। वाटर ब्लूम्स क्या होते हैं? सम मैरीन फ्री फ्लोटिंग एल्गी अक्यूमुलेट्स ऑन वाटर सरफेस टू फॉर्म कॉलोनी। कुछ ऐसी समुद्री शैवाल हैं, समुद्री शैवाल भी कह सकते हैं, वैसे भी मिलते हैं, ताजे जल में भी मिलने वाले हैं, मेनली यहाँ समुद्री शैवाल में हम पढ़ रहे हैं, तो उनका ही जिक्र किया जा रहा है। सब मरीन फ्री फ्लोटिंग एल्गी, यानी कि स्वतंत्र रूप से सतह पर तैरने वाली, फ्लोटिंग माने तैरने वाली, सतह पर तैरने वाली शैवाल है, जो जल की सतह पर इकट्ठी होकर कॉलोनी बना लेती है। ऑन द वाटर सरफेस टू फॉर्म कॉलोनी, एक पूरा समंडल या समूह बना लेती है। इसको वाटर ब्लूम्स, कॉल्ड वाटर ब्लूम्स और फाइटो प्लैंकटॉन्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पादप प्लवक या वाटर ब्लूम्स कहलाते हैं। दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड नॉट अलाउ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर। ये वाटर ब्लूम्स आपको पता है, क्योंकि एल्गी भोजन बना रही है तो ऑक्सीजन यूज भी करती है, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन, पानी की ऑक्सीजन भी इसने यूज कर ली, और इतनी बड़ी मात्रा में सरफेस पर प्रेजेंट है कि सरफेस का लिंक जो है, नीचे के सागर का जो पानी का लिंक है, उसको एटमॉस्फेयर से काट देती है। तो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है, वातावरण की जो ऑक्सीजन है, वो जल में नहीं घुल पाती है। वाटर ड्यू टू विच सी वाटर बिकम यूजलेस फॉर एक्वेटिक लाइफ, जिसके कारण वो जल जो समुद्री हमारे जीव जंतु हैं उनके लिए बेकार हो जाता है। वो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनको अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वाटर ब्लूम्स एक पोल्यूशन का भी कारण है, और इनको पोल्यूशन में भी आप इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पढ़ोगे, जब एल्गी की हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, आर्थिक महत्व पढ़ेंगे, वहां भी पढ़ाया जाएगा इसको। तो ये फाइटो प्लैंकटॉन्स हानिकारक होते हैं जलीय जीवन के लिए, क्योंकि जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है वो भी ये यूज कर लेते हैं, और जो वातावरण की ऑक्सीजन है उसको जल में घुलने नहीं देते हैं, जिससे जीव जंतु को परेशानी होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो एग्जाम्पल जो है इसके, फ्रेश वाटर फाइटोप्लैंकटॉन्स जो ताजे जल में कुछ पादप प्लवक पाए जाते हैं, उनका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, कॉस्मेरियम एंड फ्रेजिलेरिया आदि। वॉलवॉक्स, कॉस्मेरियम एंड फ्रेजिलेरिया आदि, ये कुछ ऐसी शैवाल हैं जो ताजे जल में वाटर ब्लूम्स बनाती हैं या पादप प्लवक का काम करते हैं। दूसरी मेरीन फाइटोप्लैंकटॉन्स, यानी कि समुद्री पादप प्लवक, इसमें एक्टिनोसाइक्लस, क्या नाम है, एक्टिनोसाइक्लस एंड कीटोसिरोस इत्यादि, ये कुछ दो नाम मैंने आपको यहाँ बताए हैं, एक्टिनोसाइक्लस एंड कीटोसिरोस, जो कि सामान्य रूप से पादप प्लवक के रूप में फ्री फ्लोटिंग, यानी कि पानी की सतह के ऊपर तैरते हुए कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं और पादप प्लवक होते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके रखें, नोट करके रखें कि क्या होते हैं वाटर ब्लूम्स, ये अक्सर पूछा जाता है। जलीय शैवालों के बाद अब दूसरी प्रकार या दूसरा ग्रुप जो शैवालों को आता है, दैट इज टेरेस्ट्रियल एल्गी, यानी कि स्थलीय शैवाल, फाउंड इन ऑन सॉइल, रॉक, मॉइस्ट वॉल, ट्री ट्रंक्स एटसेट्रा। कहाँ कहाँ पाई जाती है जो स्थलीय शैवाल है? या तो जमीन के अंदर अंदर भी पाई जाती है, और जमीन के ऊपर भी पाई जाती है, आप पढ़ेंगे अभी आगे डिटेल में, चट्टानों के ऊपर, रॉक्स चट्टानों के ऊपर, मॉइस्ट वॉल्स जो नमी युक्त दीवारें होती हैं, उनमें आपने हरी हरी चीजें लगी हुई देखी होंगी, दैट इज एल्गी, और ट्री ट्रंक्स, पेड़ों के जो तने गीले होते हैं, जंगलों में जहां बहुत बारिश होती है वहां तनों के ऊपर भी आप एल्गी को, शैवालों को पा सकते हो, देख सकते हो। इसको
दो टाइप्स में विभाजित किया गया है। पहले हैं सेपोफाइट्स, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। ऐसे शैवाल, स्थलीय शैवाल हैं जो भूमि की सतह पर पाए जाते हैं, भूमि की सतह पर, यानी कि भूमि के बाहर हैं, दैट दे आर सेपोफाइट्स कहलाते हैं। और दूसरे फॉर्म है क्रिप्टोफाइट्स, जो बिलो द अर्थ सरफेस, एग्जाम्पल नॉस्टॉक, जो कि भूमि के अंदर पाए जाते हैं। मैंने शुरू में हमने पढ़ा ना इन और ऑन सॉयल, तो ये दोनों इसी प्रकार से बांटे गए हैं। जो पहले हैं सेपोफाइट्स, जिसमें वाउचीरिया और फ्रिस्टिला का एग्जाम्पल हमने दिया है, वो सतह के ऊपर पाए जाते हैं, और जो नॉस्टॉक है वो सतह के नीचे पाया जाता है, क्रिप्टोफाइट्स कहलाते हैं। तीसरे इसमें मॉइस्ट वॉल और ट्री ट्रंक्स पर, जो गीली हमारी दीवारें हैं उनके ऊपर, या जो पौधे के तने हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं, दैट इज साइटोनिमा एंड प्रोटोकोकस इत्यादि। साइटोनिमा एंड प्रोटोकोकस इत्यादि, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ हमको इनको याद करना है। और आप को जहाँ तक है सब में मैंने कोई ना कोई एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है, तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान से याद करना है। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो इन एग्जाम्पल्स को, जैसे मैंने यहाँ वाउचीरिया लिखा है, फ्रिस्टीरिया लिखा है, नॉस्टॉक लिखा है, साइटोनिमा लिखा है एंड प्रोटोकोकस है, तो आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ नॉर्मल इंग्लिश में ना लिखकर थोड़े से टेढ़े लिखे गए हैं, इटैलिक्स में लिखे गए हैं। तो आप लोगों ने लीनियस का नियम, लीनियस को आप सब जानते हैं, कैरोलस लीनियस को, लीनियस ने जो द्विनाम पद्धति दी थी उसके हिसाब से साइंटिफिक नाम यहाँ लिखे गए हैं। और जब किताबों में या पीपीटी वगैरह पर लिखे जाते हैं तो हमको इनको इटैलिक्स में कर लेते हैं, लेकिन आप जब लिखेंगे तो लीनियस ने क्या बताया था, दो टर्म होते हैं किसी भी साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम में, दो टर्म होते हैं, पहला उसका जेनेरा होता है और दूसरा उसका स्पेशीज होती है, जेनरा एंड स्पेशीज। तो जेनरा जो होता है, लिनियस ने बताया था कि इसको हमेशा कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, जो स्पेशीज होती हैं उनको इंग्लिश के स्मॉल लेटर से शुरू किया जाता है, ठीक है। और अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो इन दोनों को अलग-अलग अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है, जेनरा को और स्पेशीज के नीचे अलग से लाइन खींची जाती है। जैसे आप लिखेंगे तो आप इसको अलग से अंडरलाइन करेंगे, इसकी स्पेशीज अगर लिखी होगी तो उस स्पेशीज को भी आप अलग से अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बेसिक बताया, तो इससे आपको एग्जाम्पल देते में दो फायदे होंगे। एक तो आपका एग्जाम्पल जब आप उसके नीचे लाइन खींच दोगे तो एग्जामिनर को हाईलाइट हो जाएगा कि भाई इसने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल देने से एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि बच्चा जो है वो पढ़ा हुआ है और उसको एग्जाम्पल भी पता है। और दूसरा, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंटिफिकली वो करेक्ट होता है कि आपने जेनरा और स्पीशीज को अलग अलग अंडरलाइन किया है। तो ये लीनियस के जो नामकरण पद्धति के नियम थे वो मैंने आपको यहाँ बताए हैं, यहाँ से इससे लेना देना नहीं है, लेकिन इसलिए बताया कि ये जनरल आपको पता होना चाहिए और लिखने में ये मिस्टेक साइंस वाले बच्चों को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। स्थलीय शैवाल हमने देखे। इसके बाद एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटाट, असामान्य आवासों में पाई जाने वाली शैवाल। पहली शैवाल हेलोफिटिक एल्गी, ये सब आप जितनी भी टाइप आप पढ़ेंगे अनयूजुअल वाली, ये आपको सब याद करनी होती हैं, याद रखनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चनों के में ये अक्सर पूछी जाती हैं। या तो एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है एक नंबर में, या परिभाषा पूछ ली जाती है, इसलिए ये आपको सब बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। हेलोफिटिक फंजाई लवणोद्भिद, एल्गी प्रेजेंट इन हाईली सेलाइन वाटर, ऐसे शैवाल जो अत्यधिक खारे जल में पाए जाते हैं, ऐसे शैवाल जो हम अनयूजुअल हैबिटेट पढ़ रहे थे। हेलोफिटिक एल्गी क्या थी, ऐसे शैवाल जो अत्यधिक
खारे जल में पाए जाते हैं वो हेलोफिटिक एल्गी कहलाती है, लवणोद्भिद कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है ड्यूनालीला, क्लेमाइडोमोनास एहरनबर्जाई, क्लेमाइडोमोनास की स्पेशीज है एहरनबर्जाई। आप शुरू से क्लेमाइडोमोनास को आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने जानते हैं, ध्यान देंगे तो याद आएगा, जो ग्रीन एल्गी है। तो इसकी बहुत जातियां हैं, इनमें से एक जाति जो एहरनबर्जाई है, ठीक है। ये जेनरा और स्पेशीज देखिए अलग अलग आए, ये जेनरा को हमने अलग अंडरलाइन किया और स्पेशीज को अलग अंडरलाइन करेंगे आप। हमने यहाँ इटैलिक्स में लिखा है, जो टेढ़ा करके लिखते हैं बॉटनिकल ने, ये इटैलिक्स होती है, तो आपको इसको अंडरलाइन करना है। तो क्लेमाइडोमोनास की स्पेशीज है एहरनबर्जाई और स्टेनोफ्टेरा। तीसरी एल्गी जो है दैट इज स्टीफेनोप्टेरा एटसेट्रा। ये ऐसी शैवाल हैं जो कि बहुत ही खारे जल में या खारी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। एपिफिटिक एल्गी अधिपादप, जनरली ही जनरल शैवाल में भी है। अधिपादप का मतलब क्या है? एल्गी ग्रोन ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट्स, ऐसे शैवाल जो किसी भी दूसरे पौधे के ऊपर पाए जाते हैं, ऊपर ग्रो करते हैं, वो कहलाते हैं अधिपादपीय एल्गी। या तो बड़ी एल्गी हो सकती है, उसके ऊपर भी छोटी एल्गी पाई जाएगी, लेकिन संबंध कोई नहीं है, केवल ग्रो करना है। अगर दोनों में आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए रहते तो सहजीवी संबंध हो जाता, अगर खाली उसको खाता होता या उससे अपना भोजन ले रहा होता तो परजीवी हो जाता। लेकिन यहाँ ये अधिपादप है, केवल उसके ऊपर ग्रो कर रहा है, बाकी सब कुछ अपना है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे प्लांट या ऐसे शैवाल जो केवल दूसरे पौधों की सतह पर उगे वो क्या कहलाते हैं? अधिपादप या एपिफिटिक एल्गी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल उडोगोनियम माइक्रोस्पोरा, ये दोनों शैवाल हैं जो कि ऑन द लार्जर स्पेशीज ऑफ क्लेडोफोरा एंड वाउचीरिया इत्यादि। ये दोनों शैवाल दूसरे शैवाल हैं जो क्लेडोफोरा और वाउचीरिया, इनकी कुछ बड़ी बड़ी जातियां होती हैं, उनके ऊपर ये उडोगोनियम और माइक्रोस्पोरा उगते हुए पाए जाते हैं, इसलिए इनको अधिपादप कहा जाता है। ठीक है, शैवाल दूसरे शैवाल पर भी उग सकते हैं बड़ों पर, या पौधों के ऊपर उग सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है एपिजोइक या अधिजांतव, एल्गी ग्रोन ऑन एनिमल्स सच एज स्नेल्स एंड फिशेस। आप जानते हैं कि घोंगे हैं, मछलियां हैं, वो पानी में पाई जाती हैं, तो इनके ऊपर भी कोई ना कई शैवाल हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, या नीचे पानी में ज़्यादातर रहते हैं जहाँ शैवाल हैं, तो इनके ऊपर भी शैवालें उगती हुई पाई जाती हैं। ऐसी शैवाल को एपिजोइक, एपी मीन्स बाहर, जोइक मीन्स जानवर, जानवरों की सतह पर पाए जाने वाली। जैसे एग्जाम्पल है इसका क्लेडोफोरा ग्रोज ऑन द शेल्स ऑफ स्नेल्स। क्लेडोफोरा शैवाल है जो कि घोंगों की, घोंगों पर आपको मालूम है कवच होता है, घोंगों के कवच पर उगता हुआ पाया जाता है। स्पेशीज ऑफ कारेसियम एंड कारासियोप्सिस ग्रोज ऑन फीट ऑफ ब्रैंकिपस, एक जानवर है ब्रैंकिपस, इसके पैरों के ऊपर कारेसियम और कारासियोप्सिस नाम की शैवाल पाई जाती होती है। इसके बाद इंडोजोइक अंतःजंतु, इंडो मींस अंदर, जोइक मींस जानवर, तो जानवरों के अंदर भी शैवाल पाई जाती है। एल्गी ग्रोइंग इनसाइड द एनिमल्स, ऐसी शैवाल जो जानवरों के शरीर में पाई जाए इंडोजोइक कहलाती है। विद एग्जांपल आपको याद करने हैं दोनों, इसका खास एग्जांपल है जू क्लोरेला ग्रोज इनसाइड हाइड्रा, एक एनिमल है आपने पढ़ा हुआ होगा हाइड्रा जलिए, इसके शरीर के अंदर जू क्लोरेला नाम की शैवाल पाई जाती है। इसके अलावा 15 स्पेशीज ऑफ फैमिली ऑसिलेटोरिएसी शैवाल, जो नीले हरे शैवाल हैं उसमें एक कुल है शैवालों का ऑसिलेटोरिएसी, ठीक है,
फैमिली ऑसिलेटोरियसी, इसकी 15 जातियां जो बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं, इन रेस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स, इसकी जो 15 जातियां हैं, जो जानवर वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुकी जानवर हैं, उनके श्वसन तंत्र में और पाचन तंत्र में पाई जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इपिजोइक एंड इंडोजोइक। इसके बाद सिम्बायोटिक एल्गी, यानी कि सहजीवी, इसको हम सिम्बायोटिक एल्गी अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। आप इतना एक बार पढ़ें, फिर सेकंड जो इसका पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें बाकी के जो और अलग आवास हैं, असाधारण आवास हैं, वो और हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।